हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिली जुली किचन में आज एक नई रेसिपी अलग हट के लाई हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड का पुआ तो सब कोई बनाए हैं, पर मैं टोस्टी का पुआ बना रही हूँ। ये कैसे बनता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ब्रेड का पुआ बनाने में आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं 1 मिनट में ये पुआ रेडी कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखना कि टोस्टी का पुआ मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मेरे पास, मैं गुलाब जामुन बनाई थी तो वो शीरा बच गया था, इसे मैं यूज कर लेती हूँ क्योंकि इसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो अगर आप लोग के पास भी शीरा बच जाए तो आप लोग वेस्ट नहीं करें, किसी तरह यूज कर ले। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं डाल दी हूँ शीरा में पानी। तो चाशनी में पानी डाल के इसे थोड़ी सी पतली कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं टोस्टी है चाय में खाने वाली, तो इसे चाय का भी मज़ा लीजिए। और यहाँ पे पुआ इसे कैसे बनाते हैं तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं तलना पड़ता है, उसी तरह से बनता है जैसे हम लोग ब्रेड का पुआ बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि 1-2 मिनट का फ़र्क तो गाइस होता ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से इसे फ्राई कर ली हूँ और रिफाइंड चढ़ाई थी, रिफाइंड में इसे फ्राई करना है। और फ्राई करके इसे फिर से, शीरा मेरा रेडी हो गया है तो चाशनी में इसे डालकर निकाल लेना है। तो ये ब्रेड का पुआ आपको रेडी हो गई है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और ब्रेड का पुआ किसको किसको पसंद है ये कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेड का पुआ रेडी हो गई है। तो ये आप लोग को पुआ कैसी लगी ये भी बताना, और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो ये भी बताना ताकि मैं सब लोग को धन्यवाद कर सकूं। और इसी तरह से ये मेरा पुआ रेडी हो गई है। तो इसे मैं थोड़ी सी सजा रही हूँ। यहाँ पे बड़ा वाला बादाम और काजू को मैं ग्राइंड करके इसे मैं ऊपर से डाल दी हूँ ताकि ये खाने में और मज़ा आ जाए। तो इसी तरह से पुआ, अगर ब्रेड नहीं है घर पे, मेरे घर पे ब्रेड नहीं था, टोस्टी था और मुझे पुआ खाने का मन था। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिल